नमस्कार, मैं शशि शेखर और आप देख रहे हैं finalpost.in। तनिष्क टाटा की एक कंपनी है जो सोने के आभूषण बेचती है और उसको लेकर आजकल बड़ा विवाद चला हुआ था, तो इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। एक बार उसने घनघोर तपस्या की और भगवान शिव को खुश भी कर लिया। भगवान शिव प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। भस्मासुर ने यही वर मांगा कि जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। शिव ने तथास्तु कह दिया, बोले रानी। अब हुआ यह कि भस्मासुर को जैसा ही वरदान मिला, वो सबसे पहले शिव के सिर पे हाथ रखने की ओर दौड़ा। अब बेचारे शिव जी परेशान, वो आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे। बड़ी मुश्किल से, चतुराई से देवताओं ने फिर इस समस्या का समाधान निकाला और अंत में भस्मासुर का नाश हुआ। अब ये भस्मासुर का सवाल तनिष्क ऐड में क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि यही टाटा जब सिंदूर से भगाए गए थे, जनता के या राजनीतिक आक्रोश कह लीजिए, आंदोलन कह लीजिए, नैनो प्रोजेक्ट लगना था वहां, तो सिंदूर से भगाए जाने के बाद रातों रात टाटा गुजरात पहुंच गया, उसे जमीन मिल गई, हजारों करोड़ का लोन मिल गया, सॉफ्ट लोन 0.1% पे, इंटरेस्ट पे। उसके बाद टाटा ने गुड एम और बैड एम, याद कीजिए, गुड एम और बैड एम। बैड एम मतलब ममता बनर्जी, गुड एम मतलब मोदी, तारीफों के फूल बांध दिए थे। और आज कुछ साल बाद वही टाटा है और वही मोदी है, टाटा को अपना एड हटाना पड़ा। एक ऐसा एड जिसमें इंटरफेथ मैरिज की बात है, एक कस्टम की बात है, जिसमें कथित तौर पे हिंदू और मुस्लिम परिवार, मुस्लिम परिवार में एक हिंदू बहू की बात है। कथित तौर पे मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप इस साइड को बार बार देखिए, हजार बार देखिए और ये साबित कीजिए कि इसमें जो लड़की दिख रही है वो हिंदू है। क्या गोद भराई की रस्म सिर्फ हिंदुओं में ही होती है? वो बौद्ध में नहीं हो सकता, सिख में नहीं हो सकता, जैन में नहीं हो सकता, क्रिश्चियन में नहीं हो सकता, पारसी में नहीं हो सकता, लेकिन उस एड में कहीं ये खुलकर तो नहीं कहा गया? वो सिर्फ इंटरफेथ की बात है। और अगर वो हिंदू है भी तो कौन सा पार्ट टूट गया? क्या इस देश में हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता? तो फिर ये देश संविधान से नहीं चलेगा। और फिर ये दोहरा रवैया, इसको बल्कि दोगलापन कहिए, कि चामुख्तार अब्बास नकवी हो, शाहनवाज हुसैन हो, सुब्रमण्यम स्वामी हो, धर्म सिंह उर्फ धर्मेंद्र हो, या संगठन महामंत्री रामलाल हो। भाजपा में संगठन महामंत्री का कद क्या होता है शायद आपको न पता हो, गूगल कीजिए। संघ का जो सबसे विश्वस्त, सबसे मजबूत आदमी होता है वो भाजपा में जाकर संगठन महामंत्री बनता है, उनकी भतीजी श्रेया गुप्ता हो। ये सब इंटरफेथ मैरिज कर सकते हैं, इंटर रिलीजन मैरिज कर सकते हैं, आपकी चू तक नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? क्यों नहीं बायकॉट करते उनका? क्यों नहीं निकालते पार्टी से उनको? तो आप कहेंगे भाजपा का क्या करना। अच्छा, तो क्या इस देश में इससे पहले इंटरफेथ मैरिज को लेकर एड नहीं बनते थे? खूब बनते थे, लेकिन कभी ऐसा बवाल तो नहीं हुआ। इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा मुखिया खामोश है।
और हिंदुस्तान की सियासत से लेकर समाज तक मौन को स्वीकृति माना जाता है, माना जाता है। वो माना जाना चाहिए या नहीं एक अलग बहस है, लेकिन मौन को स्वीकृति माना जाता है। इस देश में जब दलितों के खिलाफ अत्याचार होता है तो इस देश का प्रधानमंत्री ये क्या बयान देता है, कहता है कि मुझे मार लो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। ये कौन सा बयान है? ये एक प्रधानमंत्री का बयान नहीं हो सकता। इस देश में जब गो गुंडा, गो रक्षक नहीं कहूंगा, गो गुंडा गाय के नाम पर राजनीति करते हैं और लोगों को मारते हैं, तब इस देश का प्रधानमंत्री एक बयान देता है कि कुछ लोग गाय के नाम पर राजनीति करते हैं, अपराध करते हैं। नहीं सर, ये कुछ लोग नहीं है, ये सिर्फ महज अपराध नहीं है, ये मानसिक रूप से आप समाज को, समाज के लोगों को दिवालिया बनाने की एक गहरी साजिश कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि कभी पद्मावत फिल्म के नाम पर देश का एक हिस्सा कर्फ्यू में ढल जाता है, तो कभी इंटरफेथ मैरिज के ऊपर बनाए गए विज्ञापन को लेकर इतना बड़ा बवाल मचता है। चलिए, ये तो फिर भी अहिंसक रहा, हिंसा की घटनाएं कहीं नहीं आई, लेकिन ये चल क्या रहा है? ये बहुत सिंपल है, एक बहुत ओपन सीक्रेट है कि ये देश इस वक्त परसेप्शन पे चल रहा है। मतलब आप देखिए कि टाटा जैसे एक कॉरपोरेट हाउस को, जो इतना बड़ा कॉरपोरेट हाउस है जिसका इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा योगदान है, उसके ऐड को लेकर आप इतना हल्ला मचाते हैं कि उसको ऐड हटाना पड़ता है। ये जब आपको इंटॉलरेंट कहा जाता है तो आप कहते हैं कि हाँ हम मतलब इंटॉलरेंट कैसे हैं? आप ऐसे हैं कि आप एक ऐड तक, अच्छा मैं यहां ऐड को टॉलरेट करने की बात भी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आप ऐड को समझे भी नहीं तो सच कहते हैं कि गोबर भर के रखा है दिमाग में। इस एड में क्या है ऐसा, कहां से ये हो रहा है कि हिंदू और मुस्लिम या लव जिहाद इस चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है? है आपकी हिम्मत मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन को पार्टी से निकलवाने की, सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ जाने की? सुहासिनी हैदर उनकी बेटी है, उनकी है एक मुस्लिम लड़के से शादी, उन्हीं धर्म सिंह देओल जिसने दूसरी शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, उसी की वाइफ हेमा मालिनी को तो आपने सांसद बनाया है, वहां क्या हो जाता है? तो होता कुछ नहीं है। असल में इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन के इस दौर में आपके पास सही सूचनाओं की कमी है, आपके पास वही सूचनाएं जा रही हैं उसी फॉर्म में जा रही हैं जिस फॉर्म में जो सूचनाएं इस देश में भाजपा को सूट करती है, लोगों को बांटने के काम आती है, लोगों के दिमाग को दिवालिया बनाने के काम आती है, और दुर्भाग्य से हम सब इसके शिकार हो रहे हैं। अंत में जो थंबनेल में हमने हेडिंग दी है कि बलवीर सिंह मोहम्मद आमिर क्यों बना, मैं आपको एक लाइन में उसकी कहानी बताता हूं, बाकी आप गूगल कर लेना। पानीपत का ये लड़का बलवीर सिंह 1991 में बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों में सबसे अगली पंक्ति का लड़का था, लेकिन आज नहीं, ये वर्षों पहले की बात है, 91 के बाद जस्ट 92-93 में वो मुसलमान बन गया और अब तक 100 से ज्यादा मस्जिदें बना चुका है। इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे हम अपने देश को, समाज को और खुद अपने दिमाग को कहां ले जा रहे हैं। धर्म बचेगा तो लोग बचेंगे, मैं कहता हूं लोग बचेंगे, दिमाग बचेगा तो धर्म भी बचा रहेगा। धर्म की चिंता छोड़िए, ये सनातन धर्म है जिसके आदि और अंत का कोई पता नहीं, आपकी जैसी सैकड़ों पीढ़ियां आएंगी और जाएंगी, ये धर्म बना था, बना है, बना रहेगा। आप चिंता मत कीजिए धर्म की, अपनी चिंता कीजिए। नमस्कार।